चलिए नमस्कार दोस्तों, सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सबको कि कल का जो सेंटर एग्जाम था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाइए रखिए और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। चलिए कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस टॉपिक में भाग में कैसे बनाना है। आइए बताते हैं सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पे है ये वाला भाग है, देखिए आप ये इसके हम लोग भी बचपन में सीखे हैं कि इस प्रकार से भाग बना देता है ये लोग। देखिए जैसे 5 10 2 तो ये हो गया 5 2 10 हो गया और ये कट गया मतलब घट के 0 हो गया, ये 2 बच गया तो हम लोग शेष लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और नहीं तो क्या करते हैं आगे जा करके आगे दशमलव दे देते हैं यहाँ पे, 0 दे देते बना देता है, ये भी गलत है, ये नियम गलत हो गया। आइए सही क्या होगा सो हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 10 है। यहाँ पे सबसे पहले जिसमें हम भाग देंगे वो भाज्य कहलाता है और जिसमें हम भाग देंगे वो भाज्य है। जिससे भाग देंगे वो भाजक है, जो भाग दे करके बचता है वो भागफल है, जो घट के बचता है वो शेषफल होता है। यानी कि इतना चीज यहाँ पे है, ये देख लीजिए शुरू। अब आइए यहाँ पे क्या है कि 5 का से हम 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा भाग, तब हम क्या करेंगे 2 अंकों लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 2 अंकों लेते हैं तो 10 हो गया यहाँ पे। अब बताओ 5 में हम भाग देंगे 10 तो कितना होगा, 2। यहाँ पे हम 2 देंगे तो यहाँ पे 10 हो गया और घटाते हैं यहाँ पे है तो 0 0 हो जाता है। बात सही है, या 0 देते हैं या कट देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, अब बताइए यहाँ पे 5 में यहाँ पे भाग लगेगा, 2 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब कितना आ गया यहाँ पर, अगर शेषफल इसको मानते हैं तो यहाँ पे 0 देना होगा। जब यहाँ पर हम क्या करते हैं शेषफल देते हैं ना, तो 0 यहाँ पर देंगे तब ये शेषफल हुआ, तब ये सही होगा। बात अगर 0 नहीं देते हैं और हमें आगे का काम करना है तो हम क्या करेंगे, 0 दे करके यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ पर 0 देंगे। आप 0 दे करके दशमलव देंगे, ऐसा होना चाहिए। अब बताओ 5 × 5 कितना हो गया, 5 × 20 हो गया, अब घटाओ 0 0 बच गया, अब ये भाग सही हुआ। घटा करके जो बचता है वह शेष होता है, याद रखना बात, घटा करके जो बचता है वह शेष होता है, घटा करके शेष नहीं बचा, ऊपर से भाग उतर गया तो वो शेष नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल, यहाँ पे है भाग देंगे 3 में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से देंगे तो मतलब 6 × 5 = 30, यहाँ पे 5 देंगे तो यहाँ पे 30 फूट जाता है, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, ये घटा करके आया नहीं अंक, इसीलिए ये शेष हो सकता है, ये शेष हो सकता है क्योंकि यहाँ पे घटा करके आया इसलिए ये शेष है, ये घटा करके नहीं आया था इसलिए ये शेष नहीं है। अब यहाँ पे जो बाहर देकर के आए घटा के 0 आया था, ये 0 शेष हो गया, ये 0 शेष है, ये 0 है ना, ये शेष हुआ यानी शेष फल। अब इसको देखिए बनाने का नियम, हम आगे बनाएंगे इसको तो कैसे बनाएंगे, तो आगे जो बनाएंगे इसमें तो यहां से जो घट के आया है तो यहाँ पे हम 0 नहीं देंगे, यहाँ का अंक जो यहाँ आता तब नहीं लगता तो हम 0 देकर के आगे दशमलव देते, लेकिन यहाँ पर शेष बचा हुआ है तो हम यहाँ पर दशमलव देंगे, तो नियम है कि 1 0 देना पड़ेगा। अब लगाएंगे 6 × 6 = 18 हुआ, अब यहाँ पे बताओ कितना हो गया, 2 हो गया, हम फिर हमको 0 चाहिए तो एक बार दशमलव देना है आगे, 0 आगे जितना जोर पड़ेगा हम ले सकते हैं 0, इन्हें क्या फिर यहाँ पर दशमलव फिर 0 फिर यहाँ पर दशमलव फिर 0, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस एक ही दशमलव से हमें हर 0 का मान आगे जितना जरूरत पड़ेगा उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव दे करके 0 लिए बोला, अब आगे फिर देखो 6 × 18 फिर ऐसे ही 2 आता रहेगा, ऐसे ही आता रहेगा नहीं आएगा, तो 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक तक जाना है, बस हो गया, अब हमको आगे नहीं जाना है, हो गया ये हो गया, अब हमें आगे नहीं जाना है, ऐसा बनेगा। किसी को दिक्कत समझने में, समझ लो,
घटा करके जो आता है वो शेष फल होता है, घटा करके नहीं आएगा। यहाँ से भाज्य के स्थान से उठ के आएगा यहाँ पर, भाग नहीं लगेगा, तब यहाँ पर जीरो देना है, तब दशमलव देना है, तब यहाँ पर जीरो पड़ेगा, तब जाकर के आगे बने। किसको दिक्कत समझने में? यहाँ पर कटिस भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है। मतलब जो आप वहाँ पर जो जीरो दिया है, मतलब वहाँ जीरो कैसे होगा? काम ई वाला ये यहाँ पर अंक उतरेगा नहीं यहाँ से, यहाँ पर तो एगो जीरो दे करके दशमलव दे करके तब यहाँ पर जीरो आगा बना सकते हैं, आगा तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चलो और किसी को दिक्कत है पूछो। वहाँ पर एक बार ये वहाँ पर तीन का तीन है, वहाँ पर दशमलव के बाद तीन अंक आगा होना चाहिए, चाहे ऐसे दू पाँच दशमलव दू 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 तो दू एक, मतलब तीन गो छ पाँच चार तीन टांग होना चाहिए, तीन टांग का वैल्यू ज्यादा होता है। तुम यही पूछना चाह रहा था ना, हम बात पकड़ लेते हैं पहले बोलने से पहले। और कुछ, और कुछ पूछना है? नो सर। किसी को दिक्कत है सवाल में? नहीं सर। बना लेगा? यस सर। बोलो। तीन को अंक आगा बना सकती है, लेकिन वैल्यू तीन टांग के होता है, बना सकते हैं लेकिन तीन अंक तक का मान होता है, ज्यादा ज्यादा वैल्यू मतलब तीन अंक तक होता है। और कुछ अगर हमको नहीं तो छोड़ देना है, यहाँ पर दो ही अंक पर कट गया तो छोड़ देना है। कहाँ दो में से कटा है? ई वाला। अरे ये जीरो है तो इससे पहचान लिया, ई तो गया, दस में से आठ गया, पैसा दे दिया एक ना, इसको तो एक है ना बच गई, तो एक में से जीरो नहीं होगा, वैसे यहाँ पर भी हुआ। अब समझ गया, कटी दो चाहे जीरो दो, और हो गया ना। चलो ठीक है, क्या है तुम्हारा? लास्ट में अंक बढ़ जाता, हम नीचे मुद्दा से वहाँ पे शेष और शेष फल दोनों एक हुआ, उसे नहीं मतलब है। कुछ लोग शेष लिखता है, कुछ लोग शेष फल लिखता है, लेकिन शेष फल लिखना चाहिए। अगर लिखता है तो दो अक्षर बना तो शेष फल जोड़ दो। वहाँ पर एक अंक नहीं रहेगा, वहाँ पे एक रहेगा तो वहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा ना दुबला में, वो अंक जो भाग नहीं लगा पान से, तब हम इसको जीरो दिए आगे बढ़ाए हैं, जीरो दशमलव दिए हैं। अब ऐसा जो यहाँ उतर गया, भाग लग गया, तो काहे जीरो देंगे, दशमलव देंगे, नहीं देंगे। चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।